गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारा पार्शियल चल रहा था, हमारा इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे। पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा, वन अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको कैसे डील करेंगे वो देखिए। तो बेटा इसको डील करने का तरीका ये है कि यहाँ पर अगर मैं इसको तोड़ूँ तो ये टूटेगा आपका वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये टूटेगा आपका। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, मैं दोनों तरीके से करवा रहा हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए आप। ये रहा बच्चों, ये टूटा इसको। अब मैं इसको यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन अभी और ब्रेक हो जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर बेटा इसके लिए कुल मिला के यहाँ पे पहला तो दो लीनियर है और ये तीसरा क्वाड्रेटिक है और ये फैक्टराइज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर पहले वाले के लिए आ जाएगा a अपॉन x माइनस वन, दूसरे वाले के लिए b अपॉन x प्लस वन। हर एक लीनियर फैक्टर के लिए कोफिशियंट आता है। तीसरा वाला आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो यहाँ पे दो कोफिशियंट आएंगे आपके c और d, एक कोफिशियंट साथ क्या लगा रहेगा x। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एलसीएम लेने का प्रोसीजर क्या है हमारा, तो एलसीएम बेटा मैंने कहा था जो यहाँ दे रखा है वही आएगा यहाँ पर, x माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इस पूरे में से इसके नीचे जो दे रखा है उसको डालो, बचेगा क्या a x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। बी के साथ क्या आएगा ये हटा दो, क्या बचेगा x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, सी एक्स प्लस डी, और इसके साथ क्या आएगा हमारा x माइनस वन एक्स प्लस वन। ये आएगा यहां पर, ये पूरा का पूरा क्या हुआ कैंसिल आउट, यहां बचेगा वन, यहां पर a x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। बी के साथ क्या बचेगा x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, सी एक्स प्लस डी, और ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये आएगा नाउ पुट। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर अब ऐसी कंडीशन को आप लोग सॉल्व करोगे तो बड़ा दुखदाई वाला होगा। तो मैंने यहाँ पुट किया, ऐसी वैल्यू पुट करते जो बहुत ईजी हूँ। सबसे पहली वैल्यू मैंने पुट करी माइनस वन, माइनस वन से होगा क्या लेफ्ट हैंड साइड में कोई दिक्कत नहीं वाली है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा। तो माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, और ये टू। तो यहां से आपकी बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी माइनस का वन अपॉन फोर। क्या वैल्यू निकल के आएगी माइनस का वन अपॉन फोर। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग पुट कर देते हैं एक्स बराबर जीरो। ठीक है, तो यहां देखो यहां तो वन ही है और यहां पर आपके पास चार हो गए हैं, चार निकालना बड़ा दुखदाई वाला हो काम। और कोई है जिसको जीरो पुट करने बड़ा काम हो जाए। ठीक है चलिए, यहाँ पर ए बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा और यहाँ पर डी भी आ जाएगा। एक काम करते हैं, रुको, अब इसका भी कंडीशन बहुत ज़्यादा वियर्ड टाइप की हो रही है, तो मैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ला रहा हूँ बच्चों। ये वाला स्टेप आपको याद रहेगा, एक्स ए अपॉन एक्स माइनस वन, देख लेना ए के नीचे एक्स माइनस वन है, बी के नीचे एक्स प्लस वन है, सी एक्स प्लस डी है, जिसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्योंकि बोर्ड छोटा है और क्वेश्चन क्या है बड़ा, तो अब कैसे करेंगे इसके बाद का स्टेप, तो वो देखिए ना, वन बराबर ए, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वन। बी को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो बी एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वन। सी वालों को करोगे तो आ जाएगा सी एक्स क्यूब माइनस का सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी। अब एक काम करते हैं, वन बराबर ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए। मैंने पहले एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख लिया, बाद में एक्स वाले को लिखा है। बी वालों को करूँ तो बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस का बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी प्लस का सी एक्स क्यूब माइनस का सी एक्स प्लस का डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि वैल्यू वैल्यू पुट करने से क्या है थोड़ा सा और ज़्यादा टेक्सचर क्या हो जाएगा,
लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैं आपको पार्शियल तरीके दिखा रहा हूँ, अभी मैं दूसरे तरीके से आपको करके दिखाऊंगा जरा इसको, ठीक है। डी की वैल्यू आई चुकी है -1/4। अब यहां पे देखो जरा, 1 = एक्स क्यूब कहाँ कहाँ लगा हुआ है भाई? ए में लगा हुआ है, एक्स क्यूब बी में लगा हुआ है और एक्स क्यूब सी में लगा हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर देख लो भाई, एक्स स्क्वायर यहाँ पर ए है और एक्स स्क्वायर वाला माइनस का बी है और एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे प्लस का डी है। फिर भाई एक्स वाले देख लेते हैं, एक्स में कौन कौन सा आ रहा है? ए आएगा, एक्स में क्या आएगा? बी आएगा, एक्स में क्या आएगा? माइनस का सी। बाकी कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं? ए और माइनस का बी और माइनस का डी, ये कॉन्स्टेंट वाले हैं, ठीक है। और ऑन कंपेयरिंग, काफी लेंथी क्वेश्चन होगा ये तो, दूसरा मेथड इसके लिए बहुत बेस्ट है। चलिए अब ले लिया तो फिर क्या किया जाए, यहाँ पे कोई एक्स क्यूब था नहीं, इन सभी कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गए? जीरो। ऐसे ही आपका ए माइनस बी प्लस डी बराबर क्या हो गया? जीरो। ऐसे यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो, और ये है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या दे रखी है? 1। तो ए माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। आप लोग बी की वैल्यू निकाल चुके हैं, अगर मैं वैसे भी कर देता पुट करके तो भी ये आंसर जाता, कोई फायदा नहीं दिखा मुझे यहाँ पर। ए प्लस सी बराबर हो गया माइनस का बी, ए प्लस सी बराबर हो गया माइनस का बी का भी -1/4 निकली थी तो प्लस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ से ए प्लस डी की वैल्यू निकालोगे तो विच इज इक्वल टू बी, तो ए प्लस डी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? -1/4। एक इक्वेशन और तैयार होगी आपके पास, इसको देख लो जरा, ए माइनस सी बराबर माइनस का बी, तो ए माइनस सी बराबर हो गया प्लस का 1/4। लीजिए आपके पास एक इक्वेशन तैयार हो रहा है, यहाँ देखेंगे ए माइनस डी बराबर 1+b, तो ए माइनस डी बराबर 1 - 1/4, तो ए माइनस डी बराबर 3/4। जब इतना लेंदी जाएगा कोई भी हमारा चाहेगा इसको, ठीक है। नाम देखो इसको, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। तो हम लोग डी ए और सी इसमें, ए और सी इसमें, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, तो ए प्लस सी और ए माइनस सी 1/4 1/4 ऐड करूंगा, 2a बराबर 1/4 1/4 2/4 यानी कि 1/2, तो a की वैल्यू आ गई 1/4। a की वैल्यू यहां पुट कर दूं अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में, तो c की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 0, बचा d। अब यहां पर देखो यार, इस वाली क्वेश्चन रख लेते हैं, d तो कहीं से भी आ जाएगा आपका, तो आपका a आ गया, c आ गया फ्रॉम थर्ड, थर्ड वाली इक्वेशन थी a प्लस डी बराबर माइनस का 1/4, तो यहाँ पर a की जगह मैं अगर 1/4 रख लेता हूँ प्लस d बराबर माइनस का 1/4, तो यहाँ से d की वैल्यू हो जाएगी -1/4 -1/4 एंड विच इज इक्वल टू d बराबर हो गया -1/2। आप यहाँ भी रख के देख लो 1/4, तो कितना रिजल्ट होगा आपका? वैल्यू 1/2, ठीक है। तो आपके सभी के आंसर आ गया भी a प्लस 1/4, c 0, d -1/2 एंड b -1/4, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने क्या है पार्शियल वाले तरीके से लिया है, तो ये बहुत लेंदी चला गया है, ठीक है। मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, ये आपको बहुत अच्छा होगा, तो हम इस तरीके की कंडीशन से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, पता चला 15-20 मिनट किसी में निकल गए, ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहली वाली इक्वेशन आपकी क्या थी? 1/(x-1), इधर x+1 और यहाँ पे x²+1, जो कि a अपॉन था, a की वैल्यू 1/4 है, अपॉन क्या था? x-1। b की वैल्यू कितनी थी? -1/4 और नीचे था x+1 प्लस सी एक्स प्लस डी था, तो सी एक्स तो हो गया, सी के लिए 0, तो 0 × x 0 हो गया, डी के लिए थी -1/2 अपॉन x²+1। अब मैं फाइनल आंसर करूंगा, तो आई लिखने का मतलब ये इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा, कॉन्स्टेंट जो है बाहर कर दो 1/(x-1), इसमें भी यहाँ हो जाएगा -1/4 x+1
यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आप जो जानते ही हो लॉग मॉडुलस के अंदर एक्स माइनस 1, यहाँ आप इंटीग्रेशन जानते ही हो। और 1 अपॉन 2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस, ये भी इसका आंसर आएगा बहुत ही धमाकेदार। थोड़ा और सॉल्व करोगे और करके हाँ बोलोगे सर नहीं नहीं सर इतना ही बहुत है, नहीं दूसरे तरीके से भी करके दिखाएंगे ना आपको, टेंशन भी लेते हो तो अभी आपको दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा। और वही वाला तरीका हम लोग एग्जाम में भी यूज करेंगे। लॉग ए माइनस लॉग बी कितना हो जाएगा, लॉग ए अपॉन बी माइनस का 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये बच्चों इसका आंसर आता है, बहुत ज़्यादा लेंथी चला गया ये, कोई नहीं बट पार्शियल से गया इस तरीके से। इसके लिए हम लोग एक तरीका और भी होता है बट आप लोग इसको नोट कर लो, जब तक थोड़ा सा मैं पानी लेने के लिए। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने का, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन से तो हम तरीके से तो क्या बचना चाहेंगे, दूसरा वाला तरीका क्या हमारा, देखो कैसे करते हैं दूसरा तरीका हमारा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेशन में, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ जरा तीन चार, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन बच्चों इसको हम लोग सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसी कंडीशन बात करते हैं अब कल को, यहाँ पर अगर मैं जिस तरीके से मैंने पिछला तरीका कराया वो बहुत लेंथी जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग करने से एक तरीका और ये होता है कि हम लोग यहाँ पर इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर को वाई कुछ मान लेते हैं, ठीक है। मैंने y माना है सब्सिट्यूट किया है बट डिफरेंशिएशन सब्सिट्यूशन वाला मेथड नहीं अप्लाई किया, सब्सिट्यूशन में हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे बट कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए क्वेश्चन को इजी वे में कन्वर्ट करने के लिए जब भी x स्क्वायर सभी पावर इसी में दिख रही हो तो आप वहां पे x स्क्वायर को y पुट कर दो। उसका फायदा क्या होगा कि 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन y माइनस 1 इनटू y प्लस 1। थोड़ा झिझक इसलिए रहा था क्योंकि मैं आपको पर्टिकुलर केस पढ़ा था उसके बाद समझाना चाह रहा था बट ठीक है कोई नहीं, अब आ गया तो अब करा ही दो, ठीक है। तो ये अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब ये लीनियर फॉर्म है, यहाँ पर लीनियर फैक्टर है तो इनको मैं इजी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 वाई प्लस 1, तो इसके लिए दो लीनियर फैक्टर है उनके लिए क्या आएगा y माइनस 1 और दूसरे वाले के लिए v अपॉन y प्लस 1। इसका एलसीएम लोगे भाई तो यहाँ आ जाएगा a इंटू वाई प्लस 1 प्लस b इंटू वाई माइनस 1 और नीचे आ जाएगा y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1। समझ रहे ये अप्रोच कहाँ पे काम करती है, जब सब के सब किस में दे रखे हो एक्स स्क्वायर में दे रखे हो पावर में दे रखे हो तो सॉल्व करने का तरीका नहीं होता हमारे पास। ये काटा मैंने इसको, अब आपके पास यहाँ पर इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खोल दिया है तो 1 बराबर मेरे पास आ गया a y प्लस 1 प्लस b y माइनस 1, तो मेरे पास वही है सिंपल y के लिए पुट कर दूंगा, एक बार माइनस 1 पुट कर दी मैंने, एक बार मैंने 1 पुट कर दी, वैल्यू ऐसी पुट करो स्मार्ट वैल्यू जिससे आंसर जल्दी आए। जब मैं माइनस 1 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2, तो b की वैल्यू होगी माइनस का 1 अपॉन 2। 1 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 तो 1 बराबर 2a, तो a की वैल्यू होगी 1 बाई 2। आपकी दोनों वैल्यू निकल आई, अब क्या करते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, सिर्फ सुनने का नहीं है लिखने का भी है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो a की जगह मैं पुट करूंगा जब तो ये था 1 बाई 2, b की जगह क्या पुट करूंगा बच्चों माइनस का 1 बाई 2, ठीक है। अगला स्टेप ये रहा इसका, अब यहाँ पर देखो गलती क्या होती है, मैंने अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया होता तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेता, लेकिन अभी इंटीग्रेशन क्यों नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये फॉर्म था, इसको सिंपलेस्ट करने के लिए मैंने ये एक्स स्क्वायर बराबर वाई पुट किया है, तो इंटीग्रेशन करने से पहले मुझे यहाँ पर वाई की जगह क्या रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में था, उसको सॉल्व करने के लिए इजी तरीके से मैंने यहाँ पर ये लिखा।
तो आपको इंटीग्रेशन करने से पहले पहले यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। अब मैं अगले स्टेप में आई लिखूंगा तो वो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये माइनस का वन अपॉन टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी के लिए आप लोग अगला लेक्चर जो आएगा पर्टिकुलर केसेस पे आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये फॉर्मूले कैसे कैसे आते हैं। ये कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको हम लोग रेगुलर में यूज होते हैं, तो इनको डायरेक्ट यूज करके हम लोग जानते हैं कैसे कैसे क्या है। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये एक आइडेंटिटी है, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे वही आइडेंटिटी लग रही है तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। वैसे ही वाला जो क्वेश्चन है मुझे पर्टिकुलर केसेस के बाद देना चाहिए था, पर ठीक है कोई नहीं। तो वन अपॉन टू ए एक ही जगह आ जाएगा, वन लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इसका कितना आ जाएगा, ये तो टेनवर्स का फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है, प्लस सी। तो आप देख रहे होंगे वन अपॉन फोर लॉग एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस का वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। तो ये शॉर्टकट है उसकी कंपैरिजन में, बोलो हाँ ना, है ना। एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, बस आपके लिए अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क ये था कि इसका आपको फॉर्मूला याद करना था कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वैसे आपको समझ में आ जाएगा भाई ये क्या क्या है, कैसे क्या यूज होते हैं, नोट कर लें। पहले वाले में 11 मिनट लगे थे पहले वाले तरीके में पार्शियल से, दूसरे वाले में पार्शियल में, तो कुल मिला के 6 मिनट का क्या मिल गया, रिलैक्सेशन मिल गया आपको। ठीक है, चलिए जैसे और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जिससे आपका हेडेक क्या हो जाए खत्म। आपके एग्जांपल में दे रखा है एक्सरसाइज से पहले, एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 14 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस का फोर, ये दिया गया आपको, सबके सब एक्स स्क्वायर में दिख रहे हैं आपको। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए, कल को अगर पार्शियल से कर रहे होते तो इसके लिए वही क्या आता है ए एक्स प्लस बी, इसके लिए आता सी एक्स प्लस डी, पावर हो जाते हैं। तो बच्चे का सबसे अच्छा तरीका है कि एक्स को वाई पुट कर दो, तो ये फॉर्म क्या हो जाएगी, वाई अपॉन वाई प्लस वन। अब ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गए तो इनको हम लोग बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो एक अपॉन के लिए फैक्टर ही आ गया, दूसरे वाले के लिए कोफिशियंट आ गया बी, इसके बाद आप सब जानते हो कि इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वाई वाई प्लस वन y प्लस फोर, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अगले स्टेप में क्या होगा, y बराबर a y प्लस फोर b y प्लस वन, नाउ पुट y बराबर माइनस फोर एंड y बराबर माइनस वन। माइनस फोर पुट करूंगा ये जीरो हो जाएगा, यहाँ रखूंगा माइनस फोर आ जाएगा, माइनस फोर प्लस वन कितना आ जाएगा माइनस थ्री, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, फोर अपॉन थ्री बराबर क्या हो गया, दैट इज बी। माइनस वन पुट करूंगा ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस फोर कितना हो जाएगा दैट इज थ्री, ए की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का वन अपॉन थ्री, ठीक। अगले स्टेप में क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन फर्स्ट थी, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, वाई अपॉन वाई प्लस वन वाई प्लस फोर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी थी माइनस का वन अपॉन थ्री वाई प्लस वन, बी की वैल्यू थी फोर अपॉन थ्री वाई प्लस फोर। अब हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन करने से पहले मैंने यहाँ पे वाई को क्या माना था एक्स स्क्वायर, तो उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस का वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब मैं आई लिखूंगा, आई का मतलब इंटीग्रेशन चालू हो रहा है, कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया जाते हैं इंटीग्रेशन में,
तो dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे नहीं था, dx को अच्छे तरीके से 1 अपॉन ये रहा, n प्लस का 4 अपॉन 3 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx, वही है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली फॉर्म है बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए चलेंगे टास्क है, तो मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से आपको समझा जाएगा कैसे कैसे करें। तो यहाँ पे लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ही है, यहाँ पे लगाएंगे तो 4 अपॉन 3 1 अपॉन ए एक जगह क्या आ जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। ठीक है, इस कंडीशन पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 3 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 18वां है एक्सरसाइज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आते हैं और बाद में बड़ा पछताते हैं, थोड़ा टिपिकल तो है, हर कोई बच्चा बचना चाहता है इससे। ठीक है, बाकी आप ऐसे आगे क्वेश्चन लगाइए जो नहीं होते हैं उनको अभी थोड़े समय के बाद हो जाएंगे, वो जो लास्ट वाले क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स 2 माइनस कॉस एक्स जहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उनको मैं बाद वाली कैटेगरी में लूंगा। तो बच्चों यहाँ दिखा होगा सभी एक्स स्क्वायर में है, तो सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बताया था आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बोर्ड में पूछा गया मतलब, तो यहाँ आप देखोगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 y प्लस 3 y प्लस 4। अब दिक्कत ये है कि भाई हम लोग जब भी पार्शियल अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे डिग्री सेम होनी चाहिए, अब यहाँ पे अगर y इंटू वाई मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री 2 होगी, यहाँ भी डिग्री क्या होगी 2, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन में, अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखा जाए तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस का 3y प्लस 2 और नीचे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस 12। तो अभी देखो ऊपर और नीचे वेरिएबल की पावर क्या है सेम, तो हम लोग क्या करेंगे इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड यहाँ कर देते हैं, वैसे रफ वाला पार्ट था डिवाइड वाला आपको करना है तो सामने फ्रंट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है 1 टाइम जाएगा वाई स्क्वायर 7y प्लस 10, सबके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया 3 माइनस 7 माइनस का 4y 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर, ये है क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो ऐसे लिख लेना यहाँ पर 7 3 3 2 6 रिमाइंडर कितना हो गया 1, तो यहाँ पर 7 अपॉन 3 को आप कैसे लिखोगे 2 प्लस 1 अपॉन 3 क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, यही तो होगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, दैट इज क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर कितना मेरे पास माइनस का 4y माइनस का 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस 12, यही है। अब ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन वाली प्रॉपर फॉर्म में आगे कन्वर्ट हो गया, इस बार कैसे था इम्प्रॉपर फॉर्म में था, अब ये वही इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे वन का कंडीशन आप कर ही सकते हो, बस इस वाले पार्ट में क्या लगेगा हमारा पार्शियल लगेगा। ठीक है, तो नाउ यूजिंग पार्शियल, बस याद ये रखना कि जब आप लास्ट में स्टेप अप्लाई कर रहे हो इंटीग्रेशन उससे पहले y की जगह x स्क्वायर पुट कर लेना, तो जब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बच्चों
एक काम नहीं करूँ यहाँ पे, चलो ठीक है लिख लीजिए, माइनस का 4y माइनस का 10, नीचे ये पोर्शन जो था वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ मैंने लिखा y प्लस 3 y प्लस 4, आपके दो फैक्टर आ रहे हैं तो एक के लिए कोफिशेंट आएगा a और दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा b, ये रहा। तो यहाँ पे माइनस का 4y माइनस का 10 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू ए इंटू वाई प्लस 4 एंड बी इंटू वाई प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 वाई प्लस 4, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे इस वाले पोर्शन को हटाना पड़ेगा, हटा दूँ इसको, अब जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, माइनस का 4y माइनस का 10 इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस 4। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, और जब बोर्ड में आया जाए तो फिर हालत खराब। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों y की जगह सबसे अच्छी वैल्यू माइनस 4 और माइनस 3, उससे ये क्वेश्चन जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। माइनस 4 पुट करूंगा, यहाँ रखूंगा माइनस 4 इंटू माइनस 4 16, 16 माइनस 10 दैट इज 6, ये माइनस 4 प्लस 3 माइनस का b, तो b की वैल्यू होगी बच्चों माइनस का 6। माइनस 3 पुट करूंगा ये जीरो होगा, माइनस 3 प्लस 4 दैट इज 1 a हो गया, माइनस 3 यहाँ पुट करूंगा ये हो जाएगा 2, a की वैल्यू होगी आपके पास 2। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, इन दोनों वैल्यू को आपकी जो इक्वेशन है ये वाली इसमें पुट करोगे। ठीक है, करूँ एक ही जगह मेरा कितना आ जाएगा, आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, ना पुट द वैल्यू इन क्वेश्चन में फर्स्ट, फिर आपको लिखना पड़ेगा, मेरे पास तो डायरेक्ट लिखा हुआ तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। एक ही जगह आया था आपका 2, बी की जगह आया था आपका माइनस का 6, बट हमारा जो आपका आंसर था वो ये था कि भाई यहाँ पे वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3 वाई प्लस 4, यही था जो कि आपका कन्वर्ट होके वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई प्लस 2 और नीचे था वाई स्क्वायर प्लस का 7 वाई प्लस 12, ये कन्वर्ट हुआ था 1 प्लस माइनस का 4 वाई माइनस का 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस का 7 वाई प्लस 12, ये था। अब आपका ये पोर्शन इसमें फॉर्म में क्या हो गया, ब्रेक। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 अपॉन वाई प्लस 3 और बी अपॉन, अब बस अगले स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, अगले स्टेप में यहाँ पर मुझे यहाँ पर 1 प्लस इस पूरे की जगह y प्लस 1, ये पूरा पोर्शन इसके बराबर तो है, तो y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 जो बराबर था वो इसी के बराबर था, 1 प्लस इस पूरे की वैल्यू क्या निकल गई थी, a की वैल्यू आई थी 2 अपॉन वाई प्लस 3 और b की वैल्यू आई थी माइनस का 6 अपॉन वाई प्लस 4, ये आया था। मैंने बोला था इंटीग्रेशन करने से पहले बस आपको यहाँ पर y की जगह क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2, मैं डायरेक्ट कर दूँ चुप, अब लिखना लिखा तो आप लोग सब जानते ही हो। मैं यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करने जाऊंगा, जब मैं यहाँ पे आई लिखूंगा उससे पहले मुझे यहाँ पर 2 बाहर निकल आएगा, जहां जहां वाई था सब जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा वो देख लो आप लोग, फाइनल आंसर जो इसका आएगा बच्चों वो ये आएगा, मैंने आपको बता ही दिया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंडिकेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अभी के लिए आइडेंटिटी याद कर लो बाद में आपको समझ में आ जाएगी, 1 का इंडिकेशन एक्स, यहाँ पर ये किसका स्क्वायर होगा तो बच्चों ये √3 का स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर होगा तो ये 2 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर एक्स प्लस 2 इसका फॉर्मूला 1 अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा √3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन √3, दूसरे वाले में कितना आ जाएगा 6 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस, दिस इज द आंसर। सही बच्चों, यहाँ पे आपके जो बहुत भयंकर भयंकर वाले क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए, आप नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा पर्टिकुलर केसेस इसका, जो सेकंड स्टेप है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, किसी भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन को जहाँ पे पार्शियल फिल हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर केसेस के साथ चलेंगे, और पर्टिकुलर केसेस के अंदर आपको ऐसे ही यहाँ पर 6 फॉर्मूले पढ़ने को मिलेंगे।
ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।